कि कौन है जो सलमान की जान के पीछे पड़ा है। सलमान खान के फैंस के रोंगटे खड़े हो गए हैं। माफी मांग लो, नहीं मांगोगे तो हमें सिर्फ एक दिन चाहिए। किसी के भाई किसी की जान, सलमान खान को जान से मारने की कोशिश की गई है। सलमान खान की जिंदगी के पीछे कौन पड़ा है? क्या लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान पर हमला करवाया है? अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। तो आज आप लोग को जो वीडियो दिखाने वाला हूँ, सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई, जो कि इन्हें हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, और आप लोग जानते होंगे कि लॉरेंस बिश्नोई बहुत बड़े अपराधी हैं, माफिया हैं। और यहाँ तक कि मैं आप बता दूं कि सलमान के घर के ऊपर आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कि फायरिंग की गई है 5 गोली। सलमान खान को वार्निंग कौन दे रहा है कि माफी मांग लीजिए, सब कुछ इस वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे। सलमान के ऊपर फायरिंग करने का किसका हाथ है, सब कुछ आप लोग को इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो आइए आप लोग को पूरा वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। किसी के भाई किसी की जान, सलमान खान को जान से मारने की कोशिश की गई है। सलमान खान की जिंदगी के पीछे कौन पड़ा है? क्या लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान पर हमला करवाया है या कोई और है लॉरेंस के अलावा भी जो सलमान के पीछे पड़ा हुआ है? लॉरेंस और सलमान का रिश्ता हम सब जानते हैं। लॉरेंस ने कई मर्तबा सार्वजनिक तौर पर कहा है कि माफी मांग लो, नहीं मांगोगे तो हमें सिर्फ एक दिन चाहिए। अब सवाल यह कि सलमान की जान कौन लेना चाहता है, क्योंकि सलमान खान के घर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई हैं। फिलहाल फैमिली सुरक्षित है, लेकिन जिस तरह से गोलीबारी हुई है यह खबर डराने वाली है, हैरान करने वाली है। सुबह के 4:50 पर सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग होती है। 5 राउंड फायरिंग होती है, एक गोली नीचे गिरती है और बाकी की 3 गोलियां जो हैं वो दीवार पर, एक गोली बालकनी के नेट को चीरते हुए घर के अंदर घुस जाती है। फिलहाल सलमान खान जो हैं वो सुरक्षित हैं, परिवार के लोग सुरक्षित हैं, लेकिन ये सवाल लगातार बरकरार है कि कौन है जो सलमान की जान के पीछे पड़ा है। सलमान खान के फैंस के रोंगटे खड़े हो गए हैं। हर कोई सलमान को लेकर डरा हुआ है, क्योंकि ये कोई साधारण धमकी नहीं है। घर पर गोलियां चली हैं, गोलियां दीवार पर लगी हैं, गोलियां घर के अंदर तक पहुंची हैं। सलमान खान के घर के बाहर से गोलियां चलाई गई हैं और ये खबर काफी ज्यादा डराने वाली है। फिलहाल सलमान के घर बॉलीवुड और पॉलिटिकल लोग जो हैं वो मिलने पहुंच रहे हैं, लेकिन ये घटना डराने वाली है। सलमान खान ने इस घटना को लेकर अब तक कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। हालांकि सलमान के फादर सलीम खान, जिन्हें कुछ वक्त पहले मॉर्निंग वॉक करते वक्त एक धमकी आई थी, उनका रिएक्शन जरूर सामने आया। सलीम खान ने कहा है कि आप परेशान मत हो। सलीम खान ने कहा कि बताने को कुछ भी नहीं है, जो गैंगस्टर्स हैं वो पब्लिसिटी चाहते हैं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। सलीम खान ने अपने बयान में साफ किया कि सलमान को नुकसान पहुंचाने वाले उनके नाम से बस पब्लिसिटी कमाना चाहते हैं। सलीम खान हर मौके पर बेटे की ढाल बनकर खड़े रहते हैं। सलमान के करीबी दोस्त और पॉलिटिशियंस भी उनके घर लगातार पहुंच रहे हैं और उनका भी कहना है कि सलमान ठीक है, सलमान को इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि किस तरह से घटनाएं होती हैं। हाल फिलहाल में चमकीला को लेकर जो फिल्म आई है उसमें धमकियां भी ऐसे ही दी गई थी और बाद में हम सब ने हश्र देखा। सिद्धू मूसेवाला की घटना से हम सब ओवरकम नहीं कर पाए हैं और लॉरेंस कई मर्तबा सलमान को लेकर ऐसी टिप्पणियां कर चुका है जिसमें ये डर ये शक बना रहता है कि क्या ये हमला उसके इशारे पर तो नहीं हुआ। दरअसल बिश्नोई समाज जो है वो सलमान खान से खफा है काले हिरण के शिकार मामले को। लॉरेंस बिश्नोई ने बीते सालों में कई बार अपने इंटरव्यूज में ये बात कही है कि सलमान खान बेहतर है कि उनके गांव में जाकर जो मंदिर है वहां पर माफी मांग ले। अगर वो माफी मांग लेते हैं तो फिर भविष्य में लॉरेंस की तरफ से उनको परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर सलमान माफी नहीं मांगते और अगर उन्हें लगता है कि ये सब कुछ केवल लाइमलाइट पाने के लिए है, तो फिर उनको ये समझना पड़ेगा कि हमें सिर्फ एक मौका चाहिए, एक दिन। शायद यही बात है जो फैंस को डराती है। हालांकि इन सब के बीच महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जो हैं उनका ही बयान सामने आया, कहा कि अनफॉर्चुनेट घटना है, पुलिस जांच कर रही है, आरोपियों को पकड़ेंगे, उनके खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई करेंगे। यह भी कहा कि जिस किसी ने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है उसे बख्शा नहीं जाएगा। मुंबई पुलिस कमिश्नर को सलमान खान और उनके परिवार की सुरक्षा का आकलन करने बढ़ाने के लिए कहा गया है। वो कहते हैं कि मैंने सलमान से ही बात की है और कहा है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी वायरल है और इस पोस्ट में ये दावा किया जा रहा है कि सलमान के घर फायरिंग जो है वो लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने करवाई है।
कितना सही कितना गलत, कितना झूठ कितना फसाना, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन फेसबुक पर जो पोस्ट है वो लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के नाम से है, जिसमें सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई है उसकी जिम्मेदारी ली गई है। अब ये फेसबुक प्रोफाइल जो है ये लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की है या नहीं, ये पुष्टि हम नहीं कर रहे। लेकिन जो पोस्ट है वो लिखा गया है कि ओम जय श्री राम, जय गुरु जी जम्बेश्वर, जय गुरु दयानंद सरस्वती, जय भारत, हम अमन चाहते हैं, जुल्म के खिलाफ फैसला अगर जंग से हो तो जंग सही, सलमान खान हमने यह तुम्हें ट्रेलर दिखाने के लिए किया है ताकि तुम समझ जाओ हमारी ताकत को और मत परखो, ये पहली और आखिरी वार्निंग है, इसके बाद गोलियां खाली घर पर नहीं चलेंगी, और तुमने जिस दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को भगवान मान रखा है उसके नाम के हमने दो जानवर पाल रखे हैं, बाकी हमको ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। फिर उसके बाद दोबारा जय भारत, सलाम शाहिदा लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, गोल्डी बराड़ ग्रुप, काला जठेड़ी ग्रुप, रोहित कुदारा ग्रुप, ये पूरी पोस्ट लिखी है। अब अगर आप में से अभी भी कोई है जिसे नहीं पता कि सलमान खान के पीछे लॉरेंस क्यों पड़ा हुआ है, तो आपको साल 2023 में लॉरेंस का एक इंटरव्यू याद करना चाहिए जिसका जिक्र हमने अपने इस वीडियो में पहले भी किया था, और उसमें लॉरेंस ने खुद बताया था कि वो सलमान के पीछे क्यों पड़ा है। सलमान खान जब हम साथ साथ है की शूटिंग कर रहे थे उस दौरान 1998 में काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान को दोषी करार दिया गया था, और बिश्नोई समाज जो है वो जोधपुर के पास पश्चिमी थार रेगिस्तान से आता है, प्रकृति के प्रति प्रेम के लिए जानता है, और बिश्नोई समाज में काले हिरण को भगवान के तौर पर माना जाता है क्योंकि सलमान पर उसकी हत्या का आरोप है, लिहाजा ये समाज सलमान खान से खार खाए बैठा है और सलमान को अक्सर माफी मांगने के लिए कहता है। सलमान पर यह धमकी लाइमलाइट के लिए की गई है, गोलियां या सलमान को ये वार्निंग वाकई में दी गई है ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन यह खबर अपने आप में परेशान करने वाली है कि मुंबई में सलमान खान के घर तक पहुंचकर खाली घर पर तीन तीन चार चार गोलियां बरसा देना, और इस तरह से एक साल पहले खुलकर वार्निंग देना और उसके बाद इन गोलियों को आना, क्या सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए या जो सलमान के पिता कह रहे हैं कि इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब कुछ लाइमलाइट के लिए किया जा रहा है। इस खबर को जैसे कि आज सभी इस वीडियो को देखा जो कि लॉरेंस बिश्नोई बोलता है कि सलमान खान को माफी मांग लीजिए, मौका है भी, लेकिन ये माफी मांगने की कोई बात नहीं, हमें किसी के आगे झुकना नहीं है, झुकना हमें तो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना है, माफी मांगना है तो हमें सिर्फ अल्लाह से माफी मांगना है, क्योंकि मरना तो हमें एक दिन है ही, लेकिन हर किसी को अपने जान का खौफ होता है, डर होता है। तो मेरे भाई अगर हमें मारने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए और हमारा अल्लाह हमें मारना ना चाहे, हमें दुनिया में रखना चाहे, तो कोई भी इंसान पूरी दुनिया हमें नहीं मार सकता, और मारना चाहे तो हमें एक चींटी भी हमें काट लेगी तो हमारी मौत हो जाएगी। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो आप हो, चाहे आप बिरादरी के हो, चाहे हमारी बिरादरी के हो, किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है, झुकना है तो सिर्फ अल्लाह के सामने, भगवान के सामने झुकना है, किसी के आगे हमें झुकना नहीं है। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।